हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि होममेड ब्लीच किस तरह बनता है। जो मार्केट से जो ब्लीच अवेलेबल होता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इसलिए वो हमारी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम होममेड ब्लीच इस्तेमाल करें। होममेड ब्लीच बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए मैदा 2 टेबल स्पून, हल्दी हम लोगों को चाहिए। हल्दी हम ओरिजिनल ऑर्गेनिक हल्दी लें तो उसको हम पीस लें, पीस कर वो हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे ये इस फेस वगैरह के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको हम डालेंगे 1 टीस्पून, और लेमन जूस हम डालेंगे इसमें। लेमन जूस डालेंगे हम इसमें, 1 लेमन का जूस डालेंगे। और हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका इफेक्ट आता है इससे। चलिए अब हम इसको बनाकर दिखाते हैं कैसा बनता है। ये देख सकते हैं, ये मेरी होममेड ब्लीच तैयार है। हमने इसको लेमन जूस के अंदर ही मिक्स करना है। अगर लेमन जूस आपका एक पूरा नहीं होता तो आप आधा लेमन और डाल के इसको मिक्स कर लें। इसमें पानी और दूध वगैरह कोई कुछ शामिल नहीं करेंगे आप। इसको हम इस तरह अपने फेस पर लगा लेंगे और 15 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो अपने फेस को वॉश कर लेंगे। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, स्किन फेयर होती है इससे बहुत ज़्यादा, और ये बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस रेमेडी को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।